हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज मैं फिर से आ चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल के अंदर और आपके यूट्यूब चैनल के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम बाद में आई हूँ फ्रेंड्स, सॉरी इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा दिल से, बिकॉज कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो गई थी जिसके कारण मैं यहाँ पर नहीं आ पाया था। तो आज से हम इस काम को दोबारा स्टार्ट करते हैं ओम श्री गणेशाय के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की जो वीडियो वो काफ़ी खास होने वाली आप सभी के लिए, बिकॉज आज इंटरनेट इतना हद से ज़्यादा बढ़ चुका है, जो मैं आपको एक्सपीरियंस या आप खुद को ही पता होगा, बता नहीं सकता। आज का जो इंटरनेट युग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है और जो आज की लैंग्वेज है ना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती जा रही है, वो है इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन जो समझने वाले लोग हैं ना उनके लिए डिफ़िकल्ट है समझना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी को ईजिली वे में बताने के लिए गूगल सर्विस ने जो अपनी हिंदी मातृभाषा है उसको काफ़ी हद तक वर्क किया है और काफ़ी जोर दिया है इस भाषा पर, यानी हिंदी को करने के लिए। और जो काफ़ी अपने इंडियन जो अच्छे अच्छे जो पर्सनस है उन्होंने काफ़ी हद तक मेहनत की है, मतलब ऑल इंडिया के जो लोग हैं उनके लिए, बिकॉज हिंदी पढ़ना उनके लिए काफ़ी इजी वे है, इसलिए उन्होंने अपने ब्लॉग्स स्टार्ट किए हिंदी के अंदर। कुछ टॉप ब्लॉग्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, मैं आपको टॉप 5 ब्लॉग्स बताऊंगा और अदर 5 टॉप ब्लॉग्स और भी हैं जो मैं आपको अदर वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं एक बहुत ही अच्छी स्टार्टिंग के साथ। तो सबसे जो पहला ब्लॉग है वो मैं आपको बताऊंगा, ब्लॉग नंबर 1 जिसका नाम है अच्छी खबर। नाम से ही पता लग सकता है अपन को। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आ चुका है अच्छी खबर। इसके जो ओनर है ना वो है गोपाल मिश्रा। अक्टूबर 2010 में इस पोस्ट की स्टार्ट हुई थी, वो ब्लॉग पोस्ट है, ब्लॉग स्पोर्ट से इन्होंने स्टार्टिंग की थी इस ब्लॉग की। ठीक है फ्रेंड्स, और इस ब्लॉग के अंदर आप कोट्स, मोटिवेशनल कोट्स, इंस्पिरेशन स्टोरीज मिलेगी जो काफ़ी आपको हेल्प करेगी लाइफ में सक्सीड होने के लिए। तो देखिए फ्रेंड, थॉट फॉर द डे, मार्क जुकरबर्ग ने क्या कहा, सबसे बड़ा रिस्क कोई रिस्क ना लेना है। इस दुनिया में जो सचमुच इतनी तेजी से बदल रही है, केवल एक रणनीति जिसका केवल फेल होना तय है, वो है रिस्क ना लेना। समझ सकते हो फ्रेंड्स, जैसे मैं मेरा टाइम इस यूट्यूब पर दे रहा हूँ, एक रिस्क ही मान सकते हो आप, क्या पता आगे क्या हो जाकर मेरा टाइम यहाँ पर दे रहा हूँ, लेकिन मैं एक रिस्क ले रहा हूँ फ्रेंड्स। रिस्क लेने से क्या है फ्रेंड्स, आप अपने जीवन के अंदर काफ़ी अचीवमेंट्स अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो मजबूत रिश्ते का रहस्य, सीक्रेट ऑफ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप इन हिंदी, यानी काफ़ी हद तक जो इंग्लिश के अंदर होता है डिफाइन, वो आपको हिंदी में डिफाइन करके दे रहे हैं गोपाल मिश्रा जी। और ये इंडिया का नंबर 1 ब्लॉग है फ्रेंड्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। मैं यहाँ से काफ़ी स्टोरीज, मोटिवेशनल कोट्स, मोटिवेशनल स्टोरीज सुनता हूँ और मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है। देखिए अटल बिहारी जी, इनका देहांत हो गया था परसों, कुछ दिन पहले ही, तो काफ़ी दुखजनक बात, लेकिन काफ़ी नाम रोशन करके गए अपना। देख सकते हैं टर्म इंश्योरेंस इन हिंदी, काफ़ी अच्छी चीज़, क्या है शांत होने का असल मतलब, हिंदी स्टोरीज ऑन पेज, यहाँ से आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। नीचे देख सकते हैं कैटेगरीज भी है, ब्लॉगिंग, बिजनेस, बिजनेस आइडियाज़, हेल्थ आर्टिकल्स, हिंदी डिबेट, ब्लॉग ग्राफी, हिंदी थॉट्स, काफ़ी शानदार ब्लॉग है फ्रेंड्स। और जो इसका जो एलेक्सा रैंक है, ग्लोबल रैंक का साइटिंग लिंक्स है, काफ़ी अच्छा है। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छी खबर .com, मैं इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आप जैसे मैंने टाइप किया आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो दूसरा ब्लॉग है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, वो देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जाकर आप यहाँ पर टाइप कीजिए snacks.scientificworld, देखिए फ्रेंड्स यहाँ चुका है snacks.scientificworld, यहाँ पर क्लिक कीजिए। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे स्नैक्स के बारे में, सांपों के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेलिंग के साथ बताया गया है, बिकॉज जो क्या होता है कि आज स्नैक्स को लेकर काफ़ी अंधविश्वास, काफ़ी अफवाहें फैलती है, शायद आपको पता ही होगा खुद तो क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जाकर आप सब कुछ देख सकते हैं सांपों के बारे में। देखिए अमेजिंग रेड स्नैक मीटिंग, 10 सबसे जहरीले भारतीय सांप, यानी अगर आप स्नैक्स के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग, यानी स्नैक को जानने के लिए, स्नैक्स के बारे में, स्नैक्स की स्टोरीज, स्नैक्स के बारे में ऑल डिटेल्स आपको जानना बहुत ही अच्छा लगता है, आप यहां से देख सकते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग है फ्रेंड्स। मैं यहां से काफ़ी स्नैक्स के बारे में पढ़ता हूं, मुझे स्नैक्स के बारे में पढ़ना और सुनना स्टोरीज काफ़ी अच्छी लगती है, चाहे वो अंधविश्वास हो या कुछ भी, लेकिन जो स्टोरीज है ना वो अपने माइंड पर काफ़ी इफेक्टिव प्रभाव डालती है। इसलिए आप देखिए सांप अपनी कैंचुली क्यों उतारता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, किसी मुझे भी नहीं पता क्यों उतारता है कैंचुली,
आप यहाँ पर पढ़ सकते हो अंदर, रीड मोर के अंदर जाकर। क्यों उतारता है, आप यहाँ पर आ जाएगी, फिर यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो और भी पढ़ सकते हो। इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप चेक करना। और जो फ्रेंड थर्ड ब्लॉग है वो काफ़ी मज़ेदार ब्लॉग होने वाला है, बिकॉज आज का जो युग है वो है टेक्निकल युग, और धीरे धीरे टेक्निकल युग बढ़ रहा है। और आपको सक्सेस होना है लाइफ के अंदर तो आप टेक्निकल फील्ड में जाइए, बिकॉज जो ऑडियंस है ना वो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसका जो नाम है ना वो है nooktechniki.devashish.com, बिकॉज देवाशीष नाम के ओनर है, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था 10 साल पहले, और काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर जाकर। देखिए फ्रेंड्स, nooktechniki.devashish.com ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ब्लॉग है फ्रेंड्स, काफी इंटरेस्टिंग मजेदार चीज है। देखिए फ्रेंड्स, फेसबुक बाबा और क्रिसमस भंडार टेक्निकल से रिलेटेड ब्लॉग है फ्रेंड्स, ये काफी इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। और जो टेक्निकल होता है ना फ्रेंड्स, वो गूगल पर जाओगे तो आपको इंग्लिश के अंदर मिलेगा, आपको कोई भी आर्टिकल आप पढ़ोगे वो इंग्लिश में मिलेगा। किसी के लिए इंग्लिश पढ़ना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, किसी के लिए काफ़ी ईजी होता है, तो जिसके लिए डिफिकल्ट है वो हिंदी के अंदर पढ़ सकता है काफ़ी मज़ेदार तरीके से। देखिए फेसबुक के संस्थापक जो मार्क जुकरबर्ग हैं, जो फेसबुक के ओनर है और सीईओ भारत आए थे, और आपको हिंदी के अंदर काफ़ी कुछ मिल जाएगा यहाँ पर टैक से रिलेटेड न्यूज़। और जो इंडिया का टॉप 4 व्लॉग है वो है जानकीपुरी नाम का व्लॉग है, ये हिंदी साहित्यकार पत्रिका से रिलेटेड है। अगर आपको पत्रिकाओं में इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट पढ़ने में मज़ा आता है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। सॉरी फ्रेंड, सही तरीके से नहीं डला है। हाँ सॉरी, जान की पुल नाम है फ्रेंड, सॉरी गलती हो गई। ये रहा जान की पुल, इसके अंदर जाइए और काफी इंटरेस्टिंग हिंदी फैक्ट पढ़ सकते हो यहाँ से, बहुत ही मजेदार है ये। देखिए अमृत रंजन की कुछ छोटी छोटी कविताएं, चारुमती रामदास अनुदित अलेक्सांडर कुप्रिन के उपन्यास द डुअल का एक हिस्सा, यहाँ से आप हिंदी साहित्य पढ़ सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग हिंदी के अंदर, जो आपने शायद ही कभी पढ़ा हो। चार्ली चैपलिन की जयंती पर विषय, यहाँ कुछ ऑप्शन है इसके अंदर, आप देख सकते हैं कविताएं कथा कहानी हिंदी के अंदर जो भी रिलेटेड पत्रिकाएं वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, अगर आपको हिंदी में काफ़ी इंटरेस्टिंग रुचि है तो फ्रेंड्स ठीक है। और जो पाँचवा जो व्लॉग है वो काफ़ी मज़ेदार व्लॉग है, और नाम टाइप करते ही आपको शायद पता लग जाएगा इसके बारे में, पोइट्री डॉट, ये आ गया फ्रेंड्स पोइट्री डॉट विनय प्रजापति डॉट कॉम। ये इसलिए आ गया बिकॉज सर्च बार में ये काफ़ी पॉपुलर व्लॉग है इंडिया के अंदर 5 नंबर पर। तो इसके अंदर चलते हैं और देख सकते हैं, तकली के नज़र से आपको ये मिलेगा। शाम उतर रही थी, मैं सोफे पे लेटा अपने सफ़र की थकान उतार रहा था। हाँ उसी शाम उसका फ़ोन तो आया था कि घर आएगी, वो कहीं बाहर मिलने का भी प्लान बना था, लेकिन घर के दरवाजे आज भी मेरी तरफ देखते हैं, पूछते हैं मुझसे चौकट के इस पार और चौकट के उस पार कितना फासला है, किसी खार में उसका दामन अटका है या फिर वक्त ने बहला फुसला लिया है उसे। वो आई नहीं, चेट हो जाया करती है कभी कभी, उसके मानुष हर्फ वो कहती नहीं मगर सीले सीले से लगते हैं, जिन्हें वो शायद टिशू पेपर या रुमाल से पोंछती रहती है कि शायद कहीं मेरे उजाड़ दिल की दीवारों पर काइने न जमने लगे। काफी इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स यहाँ पोइट्री है। एक पोइट्री अपन और पढ़ते हैं,
कुछ रिश्ते वक्त की आंच पर धीरे धीरे तपकर एक दिन राख हो जाते हैं, फना हो जाते हैं, खाब हो जाते हैं। वाह क्या इंटरेस्टिंग। एक और पढ़ते हैं, फिर मजा आ रहा है। रोना था इसलिए मिला है मैं तुझसे, सावन बदल गया, मुआ टल गया, घोर अंधेरा था, दिया जल गया, बातें तेरी भूल जाऊं दिला, टूटा टूटा अश्क भी गल गया। वाह वाह, काफी मजेदार। फ्रेंड्स मेरा जो फेवरेट ब्लॉग है ये फर्स्ट और काफी फेवरेट ब्लॉग है फ्रेंड्स, यहाँ से मैं बिकॉज मुझे पोइट्री पढ़ना और पोइट्री लिखना काफ़ी मज़ा आता है, लिखने के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। और अच्छी खबर .com फ्रेंड्स पढ़ना, वहाँ से काफ़ी मोटिवेशनल कोट्स, मोटिवेशनल स्पीचेज, मोटिवेशनल कोटेशन पढ़ने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने आपको 5 बेस्ट इंडियाज हिंदी के अंदर वो भी ब्लॉग बताए हैं, जिसको आप पाकर या जिनको आप पढ़कर काफ़ी हद तक अपने नॉलेज को इनक्रीज कर पाओगे। अपने नॉलेज को इनक्रीज करके, नॉलेज को बढ़ाकर, ज्ञान लेकर आप उस नॉलेज को बांटोगे। बांटने से क्या है फ्रेंड्स, आपके अंदर और भी इच्छा जागेगी नॉलेज भरने का। जिस प्रकार फ्रेंड्स एक मटका होता है उसके अंदर जो पानी होता है, वो पानी भरा हुआ कोई काम नहीं आता फ्रेंड्स, धीरे धीरे जब वो पानी उसमें पड़ा रहता है वो खराब हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, पानी, हाँ ये सही बोल रहा हूँ मैं, लेकिन जब भी आप उस पानी को किसी दूसरे को पिलाओगे ना तो वो मटका खाली हो जाएगा, उसको फिर से भरना पड़ेगा। उसी तरह से फ्रेंड्स अगर आपके अंदर जो नॉलेज है ना, ज्ञान है, अगर आप उसको बांटोगे हर जगह तो आपकी और इच्छा होगी ज्ञान लेने की। इससे आपका ज्ञान का भंडार समाप्त नहीं होगा, लेकिन सीखने की जो इच्छा है, सीखने की जो जागरूकता है, वो काफ़ी हद तक आपके अंदर बढ़ेगी। तो मैंने आपको यहाँ पर 5 ब्लॉग बताए हैं, पढ़ने में बहुत ही आपको मज़ा आएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें। वीडियो के जस्ट नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करें, और क्लिक करने के साथ ही आपको एक बेल आइकन शो होगा स्क्रीन पर, उस पर क्लिक करें फ्रेंड्स, और मेरी वीडियो को शेयर करें, आग की तरह फैलाए फ्रेंड्स। जी हाँ, आग की तरह मेरी वीडियो को फैला दे हर जगह। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।